भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बीजेपी और कांग्रेस पर लगातार हमले कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल ने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बता दिया। उधर राहुल के तपस्वी और पुजारी वाले बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल कांग्रेस को तपस्वी बताते हैं और बीजेपी को पुजारी। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी के विवादित बयान और मेरे दूसरी ओर देख रहे हैं आरएसएस पर राहुल ने क्या क्या हमले किए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार आरएसएस पे हमले कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उन्होंने संघ की तुलना कौरवों से कर दी। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में उनकी तरफ हिंदुस्तान के दो तीन सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई। ये बहुत गलत है। राहुल गांधी को पहले कुछ दिन जाके आरएसएस की शाखा अटेंड करनी चाहिए, फिर वो आरएसएस के बारे में कुछ किया। जिस चीज के बारे में आप जानते ही नहीं, उसके बारे में आपको ज्ञान बांटने का क्या अधिकार है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को न धर्म से कुछ लेना है, न देश से कुछ लेना है। अब दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखिए, इसकी जड़ में है राहुल गांधी का ये बयान। हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी पर हमला करते करते राहुल गांधी ने तपस्वियों और पुजारियों पर टिप्पणी कर डाली। इसके बाद ब्राह्मण समाज आग बबूला हो गया। धर्मगुरुओं और तपस्वियों ने भी मोर्चा खोल दिया। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भी मंदिरों में बैठे हैं और पुजारियों का बहिष्कार जैसा लग रहा है कि उनके लिए उनकी भावना अच्छी नहीं है, तो आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। दरअसल ये पूरे राजनीतिक हथकंडे हैं। भारत तपस्वियों का भी देश है, भारत पुजारियों का भी देश है, भारत ब्राह्मणों का, सवर्णों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, सबका देश है। राहुल के बयान पर सियासत भी तेज हुई, बीजेपी ने निशाना साध दिया। राजनीति के लिए धर्म इस्तेमाल करते हैं। जय श्री राम का नारा इसलिए नहीं लगाते कि उनकी आस्था है, वो इसलिए लगाते हैं कि उनको इससे राजनीतिक फायदा पहुंचे। हर एक काम के लिए, हर एक वर्ग के लिए हमको ध्यान रखना होता है, चाहे वो तपस्वी हो चाहे पुजारी हो। अगर पूजा करने तो ये भी गए थे कुरुक्षेत्र में परसों, कल पूजा करने गए थे ना। विवाद बढ़ा तो राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई दी और कांग्रेस को तपस्वियों की पार्टी बताई। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी, और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि यह तपस्या का संगठन है। राहुल गांधी ने हर हर महादेव कहने पर भी बीजेपी और आरएसएस को घेरा था। इस पर बीजेपी ने वीडियो जारी कर दिया। आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते, आप देखो नोट करो, कभी नहीं कहते। ये क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। बहरहाल कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब राहुल पूरे अंदाज में दे रहे हैं। आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है,
आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। ठंड को लेकर राहुल गांधी ने जो कहानी सुनाई और जिस प्रण की बात की उस पर बीजेपी ने निशाना साधा। परवेश वर्मा ने ट्वीट किया, उन गरीब बच्चों के पास Z प्लस सिक्योरिटी नहीं होगी, प्राइवेट जेट नहीं होगा, लिटियंस में बंगला नहीं होगा, उन सबको त्यागने के बारे में क्या ख्याल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो हरियाणा से पंजाब में दाखिल हो चुकी है और यहाँ भी विवाद जारी है। आज तक ब्यूरो।